हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए फ्रेंड, आज हम बात करने वाले हैं कि आप अपने फ़ोन में बहुत ही सिंपल तरह से कॉल सेटिंग कैसे कर सकते हैं। तो फ्रेंड, इसी वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। वीडियो की पूरी जानकारी के लिए वीडियो लास्ट से ज़रूर देखना है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है फ्रेंड कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत सिंपल स्टेप है जो आपको देखनी है, फॉलो करनी है। तो फ्रेंड, आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप अपने फ़ोन में कॉल सेटिंग के लिए सबसे पहले अपने फ़ोन के डायलर में जाएंगे। डायलर में जाने के बाद यहाँ से फ्रेंड आपको सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद देखिए फ्रेंड, यहाँ से आपको काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ से आपको सबसे ऊपर एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है, इनेबल आउट कॉल रिकॉर्डिंग। तो फ्रेंड, यहाँ से अगर आप अपने फ़ोन में कॉल रिकॉर्डिंग ऑन करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद देखिए फ्रेंड, यहाँ से आपकी जो भी डायल की गई कॉल्स होती हैं एंड रिसीव कॉल होती हैं, वो यहाँ से आपकी ऑटोमेटिक ही रिकॉर्डिंग होना स्टार्ट हो जाती है। तो फ्रेंड, यहाँ से आपको सेकंड ऑप्शन देखने को मिल जाता है डिस्प्ले सेटिंग का। तो डिस्प्ले सेटिंग पे क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है फुल स्क्रीन। फिर यहाँ से अगर आप अपने फ़ोन में कोई भी शो इनकमिंग कॉल्स ऑन फुल स्क्रीन, अगर आप अपनी कोई भी कॉल स्क्रीन पे लेना चाहते हैं तो फ्रेंड, यहाँ से आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको कोई भी कॉल आपकी फुल स्क्रीन पे शो होगी। तो फ्रेंड, यहाँ से आपको सेकंड ऑप्शन देखने को मिल जाता है शो कॉन्टैक्ट फोटोज़। तो फ्रेंड, इस पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद देखिए आपके कॉन्टैक्ट पे जो भी पिक लगी हुई है वो यहाँ से आपको शो होने लगती है। तो फ्रेंड, यहाँ से आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है डिस्प्ले ऑप्शन का। तो इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है स्टोर बाय नेम फॉर्मेट। तो फ्रेंड, यहाँ से आप अपने कॉन्टैक्ट का कोई भी फर्स्ट नेम या लास्ट नेम शो करवा सकते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ से बैक होंगे। बैक होने के बाद यहाँ से फ्रेंड आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है साउंड का। तो साउंड पे क्लिक करेंगे। साउंड पे क्लिक करने के बाद एडवांसड पे क्लिक करेंगे। एडवांसड पे क्लिक करने के बाद यहाँ से फ्रेंड आपको आपके फ़ोन के सारे साउंड देखने को मिल जाते हैं जो आप बहुत ही सिंपल तरह से यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड, यहाँ से आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है ब्लॉकेड नंबर्स का। तो ब्लॉकेड नंबर्स पे क्लिक करेंगे। ब्लॉकेड नंबर्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है नंबर्स नॉट इन कॉन्टैक्ट। तो फ्रेंड, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से अगर आपके फ़ोन में कोई भी इनकम नंबर है तो वो यहाँ से आपका ब्लॉक हो जाता है। तो फ्रेंड, सेकेंड आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है अगर आप अपने फ़ोन का कोई भी पर्सनल नंबर ब्लॉक करना चाहते हैं तो ऐड अ नंबर पे क्लिक करेंगे। ऐड अ नंबर पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आप अपना कोई भी पर्सनल नंबर जो है वो डायल कर लेंगे। नंबर डायल करने के बाद ब्लॉक का एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है, ब्लॉक पे क्लिक कर देंगे। ब्लॉक पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपका पर्सनल नंबर ब्लॉक हो जाता है। इन फ्यूचर अगर आप अपना पर्सनल नंबर अनब्लॉक करना चाहते हैं तो प्लस का आइकॉन देखने को मिल जाता है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अनब्लॉक पे क्लिक कर देंगे, यहाँ से आपका नंबर अनब्लॉक हो जाएगा। फ्रेंड, तो यहाँ से आपको देखिए सेकंड ऑप्शन देखने को मिल जाता है एडवांस सेटिंग पे क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है वाइब्रेट व्हेन आंसरिंग, यहाँ से ऑन कर देंगे। ऑन करने के बाद कॉल टाइम रिमाइंडर पे क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद में देखिए फ्रेंड, यहाँ से आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है डायल पैड साउंड इफेक्ट, इसे ऑन कर देंगे। इसे ऑन करने के बाद में बैक होंगे। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ से आपकी ये थी कॉल सेटिंग। तो फ्रेंड, इसी के अकॉर्डिंग आप अपने फ़ोन में बहुत ही सिंपल तरह से कॉल सेटिंग कर सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।